Dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. In the previous videos, we have discussed about the formula of discounted cash flow method of business valuation. I hope you have watched that videos. If you haven't watched that video, I'll give a link in the description box as well as click on the I button, you will get it. First watch that video, it will help to clear your doubts regarding formulas. Then please go with this video, okay? So without any further delay, let's start with today's question. It is the question one of discounted cash flow method. So what is it? XYZ Limited is expected to generate future profits of rupees 54 lakh. ठीक है? आपको कंपनी का future expected profit दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं future एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ठीक है, कितना दिया गया हमें? रुपीज 54 लाख. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस? आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करने बोला, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट वी ओ. इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस टाइप्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन एनुअल रिटर्न ऑफ 20%. आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 20%. योर रिटर्न इज योर क्यू, दैट इज 20%. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दो चीजें ही दी गई हैं. एक आपको दिया गया फ्यूचर एक्सपेक्टेबल प्रॉफिट एंड सेकंड इज क्यू. एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय क्यू. ये जो आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेबल प्रॉफिट दिया गया है, दैट इज योर फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म. कितना दिया गया है? 54 लाख डिवाइडेड बाय हम करेंगे 0.20, सो यू विल गेट 270 लाख. फर्म की वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? 270 लाख. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज Rico Limited has profit after tax rupees 40.90 lakh with extraordinary income of rupees 7 lakh. Profit after tax दिया गया है and हमें और दिया गया extraordinary income. If the cost of capital is 12%, cost of capital is your KO. ठीक है, KO भी दिया गया 12%. Growth rate is 6%. And tax rate is 30%. What will be value of Rico Limited? Value of Rico Limited, that simply means आपसे पूछा गया value of firm. अब उसके लिए क्या क्या information दी है? First आपको profit after tax दिया, second आपको दिया गया extraordinary income, third आपको दिया गया है cost of capital, that is KO, growth आपको दी गई 6% and tax दिया गया. ठीक है, अब जो हमने मेथड सीखी थी वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए, क्या फॉर्मूला था हमारा? वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म. ग्रोथ यहाँ पे देगी तो क्या लिखेंगे? 1+GN डिवाइडेड बाय KO-GN. ठीक है, ये हमने सीखा था. अब फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म हमारे पास नहीं है, हमें क्या दिया गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम दिया गया. हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म. तो सबसे पहले वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लिख देते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट. अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया, बट हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तभी भी हमने सीखा था कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया और बिफोर टैक्स चाहिए तो क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1-T, दिस इज आवर फॉर्मूला. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 40.90, 1-T कितना था? 30%, तो लिखेंगे 0.30. सो 40.90 divided by 0.73, we will get 58.43. ठीक है, ये हमारा क्या आया? 58.83, it is our profit before tax. अब उसमें हमने सीखा था profit before tax plus
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, क्वेश्चन में कहीं पर भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस नहीं दिए तो डैश कर देंगे, माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी गई थी इसलिए हम इसके थ्रू जा रहे हैं। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 7। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं है, अगर दिया होता तो माइनस करते। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस लॉस माइनस इनकम वी विल गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो 58.43 माइनस 7 यू विल गेट 51.43। अब टैक्स दिया गया क्वेश्चन में तो टैक्स माइनस होगा, माइनस टैक्स एट कितना बोला गया 30%। सो 51.43 का 30% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 15.429। ओके अब माइनस कर देंगे तो जब माइनस करेंगे वी विल गेट 36.001 एंड इट इज़ अवर NOPAT, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स, या फिर उसको हम बोल सकते हैं फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ बिजनेस का, VU इज इक्वल्स टू फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म, या फिर आप NOPAT भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रोथ दिया है तो 1+GN डिवाइडेड बाई Q-GN। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं होती तो जीएन यहाँ पर नहीं आता, सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, सो 36.001 ग्रोथ कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 6%। तो 1+6% दैट इज 1.06 डिवाइडेड बाय क्यू वाज 12%, सो 0.12 माइनस 0.06, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 38.16 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.06 दैट इज 0.06। तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 38.16 डिवाइड बाय 0.06 यू विल गेट 636 लाख। सारी वैल्यू आपको लाख में दी गई थी तो वैल्यू ऑफ रिको लिमिटेड कितना आ रहा है, 636 लाख। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम माइनस कर दी तो EBIT, उसमें टैक्स माइनस किया तो NOPAT है, एंड देन विल पुट द फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर अ कंपनी फॉर द ईयर 2021-2022। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सेल्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स रेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग। चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग दैट मीन्स इट इज़ योर चेंज इन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। Determine the free cash flow to the firm FCFF। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ पूछा गया फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म कितना आएगा बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला याद किया था, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू NOPAT माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, है ना, यही फॉर्मूला हमने सीखा था। अब इसमें से देखने क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, NOPAT हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चेंज इन फिक्स्ड एसेट दैट इज चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग दिया गया है, डेप्रिसिएशन दिया गया है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी दिया गया, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट NOPAT। सबसे पहले NOPAT कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट NOPAT। ठीक है, NOPAT के लिए एक टेबल याद की थी, पर्टिकुलर अमाउंट। सो NOPAT के लिए हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, बट यहाँ पे प्रॉफिट दिया ही नहीं, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, बट उसकी जगह पे क्या दिया गया, सेल्स दिया गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स हमें कितना दिया गया, दैट इज 1 लाख। उसके बाद आपको कॉस्ट दी गई है तो ऑब्वियसली बात है सेल्स में से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, माइनस कॉस्ट कितना है 75,000। अब क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन भी दिया गया है तो अगर आपको याद हो तो NOPAT फाइंड करते टाइम हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो माइनस
डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, ये सारी चीज़ें हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। सो इट इज़ 5,000। नाउ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल गया, अब हमें क्या करना है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना बोला गया है 25%, सो 5,000 का 25% आएगा, इट इज 1,250। टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NOPAT, 5,000 माइनस 1,250 एंड यू विल गेट 3,750, ठीक है। NOPAT हमारे पास आ गया, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। सो 3,750 माइनस चेंज इन फिक्स्ड से दैट इज चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग इट इज 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन इट इज 20,000 माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इट इज 1,000। फिर हम क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्री कैश फ्लो फॉर्म इज इक्वल्स टू NOPAT माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट दैट इज इन ब्रैकेट माइनस डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीज आपको ब्रैकेट में लिखने, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो NOPAT कितना था 3,750, चेंज इन फिक्स्ड एसेट वॉज 10,000, डेप्रिसिएशन वॉज 20,000 माइनस 10,000, तो 3,750 माइनस, अब ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, तो 10,000 माइनस 20,000 दैट इज माइनस 10,000 एंड माइनस 1,000, ठीक है। अब 3,750 माइनस माइनस प्लस 10,000 माइनस 1,000, नाउ 3,750 प्लस 10,000 माइनस 1,000 यू विल गेट रुपीज 12,750, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो फॉर्म कितना आ रहा है 12,750। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इस स्टेप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, जब भी आप स्पेशली फ्री कैश फ्लो फॉर्म कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NOPAT माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, बट यू हैव टू राइट डाउन इट इन अ ब्रैकेट ओनली, ठीक। आज के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही, इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स एंड अदर मेथड्स एज वेल, एंड आपको जो भी क्वेरीज हो आप इजीली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई। एंड आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन अभी नहीं पॉसिबल है, तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रहे आपको वो चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं, तो अगर आपको वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं सो काइंडली रिप्लाई थ्रू कमेंट, सो आई कैन गेट द आइडिया लाइक यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस और नॉट, ओके। सो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियोस टिल द एंड एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू द वीडियोस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।